अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल जुफिस कुकिंग में। आज मैं बनाने जा रही हूँ कढ़ाई चिकन, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल जैसा। तो चलिए शुरू करते हैं। कढ़ाई चिकन बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 800 ग्राम चिकन। इसको मैंने अच्छी तरीके से धोकर एक बाउल में रख लिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिए हैं दो बड़े साइज के टमाटर, जिसको मैंने मोटा मोटा कट कर लिया है। एक बड़े साइज की प्याज, इसको भी मैंने रफली कट कर लिया है। तीन मोटी वाली हरी मिर्च कटी हुई। यहाँ पे हमने ली है एक बड़े साइज की हरी शिमला मिर्च, इसको हमने इस तरीके से चकोर टुकड़ों में कट किया है। और एक बड़े साइज की प्याज, इसको भी हमने चकोर टुकड़ों में कट करके इसकी लेयर्स को निकाल लिया है। एक दालचीनी का टुकड़ा और दो तेजपात के पत्ते लिए हैं हमने। 100 ग्राम दही चाहिए हमें, 150 ml वेजिटेबल ऑयल, एक छोटा चम्मच जीरा, 3 छोटे चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 2 छोटे चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 2 छोटे चम्मच नमक, 1 बड़ा चम्मच अदरक का पेस्ट, 1 बड़ा चम्मच लहसुन का पेस्ट। अब सबसे पहले हमें चिकन को मैरिनेट करना है, तो इसके अंदर हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच नमक और साथ ही हम इसमें डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। और ये चीजें डालने के बाद एक बार चिकन में अच्छे तरीके से मैरिनेट कर देंगे। चिकन में हमने सभी चीजों को मिला लिया है। अब चिकन को हम ढक कर आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। जब तक हमारा चिकन मैरिनेट हो रहा है, चलिए कढ़ाई चिकन का मसाला तैयार कर लेते हैं। मीडियम फ्लेम पर गैस ऑन करके मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई ले ली है। अब इसके अंदर डालेंगे 2 से 3 छोटे चम्मच वेजिटेबल ऑयल और साथ ही हम इसके अंदर डालेंगे ये कटी हुई शिमला मिर्च और कटी हुई प्याज और इसको हम तेल में 1 से 2 मिनट के लिए सॉटे करेंगे। प्याज और शिमला मिर्च हमारी सॉटे हो चुकी है। अब गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और इसको वापस हम प्लेट में निकाल लेंगे। प्याज और शिमला मिर्च को हमने कढ़ाई में से निकाल लिया है। अब सेम कढ़ाई में 2 या 3 छोटे चम्मच तेल और डालेंगे और इसी के साथ हम इसमें डालेंगे ये स्लाइस की हुई प्याज, हरी मिर्च और टमाटर। इन सभी चीजों को डालने के बाद हम इन सभी चीजों को भी 1 से 2 मिनट के लिए तेल में सौते कर लेंगे और गैस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे। जब टमाटर हल्के से सॉफ्ट होने शुरू हो जाएं, ये देखिए आप देख सकते हैं हमारे टमाटर सॉफ्ट होने शुरू हो गए हैं। अब गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इन तीनों चीजों को रूम टेम्परेचर पर 5 मिनट के लिए ठंडा होने देंगे और उसके बाद हम इसका मिक्सी में पेस्ट तैयार करेंगे। यहाँ पे हमने सॉटे की हुई टमाटर, प्याज और हरी मिर्च को एक ब्लेंडिंग जार में डाल लिया है। अब हम इसका एक स्मूथ पेस्ट तैयार कर लेंगे। मसाला हमारा तैयार है। अब चलिए कढ़ाई चिकन बनाना शुरू करते हैं। मीडियम फ्लेम पर गैस ऑन करके मैंने सेम कढ़ाई को धो के लिया है, क्योंकि इसमें टमाटर का पानी छूट गया था। अब इसके अंदर बचा हुआ सारा तेल डालेंगे और साथ ही हम इसमें डालेंगे दालचीनी का टुकड़ा, तेजपात के पत्ते और जीरा। अब जीरे को हल्का सा तेल में ब्राउन होने देंगे। अब इसके अंदर डालेंगे मैरिनेट किया हुआ चिकन और चिकन को तेल में 1 से 2 मिनट के लिए अच्छी तरीके से भुनने देंगे। चिकन हमारा तेल में भुन गया है। आप देख सकते हैं चिकन का कलर भी चेंज होना शुरू हो गया है। अब इसके अंदर हम डालेंगे ये मसाला जो हमने अभी पीसा था और साथ ही हम इसके अंदर डाल देंगे सभी मसाले, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, बची हुई लाल मिर्च पाउडर और बचा हुआ नमक। अब इन सभी चीजों को एक बार अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। और अब सभी चीजों को अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद मीडियम फ्लेम पर मसाले को तब तक भूनने देंगे जब तक कि तेल ऊपर आने लगे और मसाले का कच्चापन दूर हो जाए। मीडियम फ्लेम पर मसाले को भूनते हुए 8 से 10 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं इसका तेल भी ऊपर आना शुरू हो गया है और इसका कच्चापन भी दूर हो गया है। अब इसके अंदर हम डालेंगे दही और एक बार अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। और
और अब दोबारा से मीडियम फ्लेम पर मसाले को 5 से 7 मिनट के लिए और पकने देंगे ताकि चिकन पूरी तरीके से गल जाए। कढ़ाई चिकन हमारा लगभग तैयार है। मसाले को भूनते हुए टोटल 15 मिनट हो चुके हैं। अब गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और इसके अंदर हम डालेंगे ये सौते की हुई वेजिटेबल्स, शिमला मिर्च और प्याज, और एक बार हल्के हाथ से चला देंगे। और अब चलाने के बाद लो फ्लेम पर ही 2 मिनट के लिए और पकने देंगे ढककर, और उसके बाद हम इसे डिश आउट करेंगे। कढ़ाई चिकन को पकते हुए 2 मिनट और हो चुके हैं। बस अब हमारा कढ़ाई चिकन बिल्कुल तैयार है। अब गैस को ऑफ कर देंगे। बहुत ही बढ़िया सी इसकी खुशबू आ रही है और बहुत ही जबरदस्त इसका कलर आया है। चलिए अब इसे डिश आउट कर लेते हैं। तो ये थी हमारी लाजवाब सी कढ़ाई चिकन की रेसिपी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ अपनी एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।